बोलिए सांवल सरकार की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। जय हो लटियाल मात की जय। हो सतगुरु देव की जय। जो भी सुन रिया है बाहर बैठा या अटे, एक ही उद्देश्य है कि संसार में आज जो नकारात्मकता फैली हुई है इरे ऊपर, नकारात्मकता जब ही कम होगी जब सकारात्मकता का पलड़ा भारी होगा। और आज जानकारी भी आपने इस मायरे माध्यम सुधी जावेला, तो पहला भक्तरी कथा में प्रवेश करा, मेरे बाद आपने विस्तारित जानकारी भी दूंगी और इन्हें बहुत गौर से सुनिया समझिया। और लोग कहवे कि मैं संसार ने बदल देवा, असंभव है, स्वयं का सुधार ही संसार का सुधार है। अगर मैंने सकारात्मक ऊर्जा को मुझ तक स्थापित किया है तो मेरी बात भी लोगों के समझ आएगी। अगर मैं सकारात्मकता से जीऊंगी तो मेरी बात भी दूसरे के समझ आएगी, नहीं तो आप गुरुजी बेंगन खावे दूजो ने उपदेश सुनावे। तो जब मेरे जीवन के जो अनुभव हुए, और भाई अटे कोई पीसा लेर था नहीं, यहां को नहीं बतावा कि भाई मेरा ये हो गया और वो हो गया, आजकल देखा नहीं ना सा अठे से, तो क्या मैं तो कोई जीवन में उत्तीज बात करनी जितनी जीवन में जी जा रही है, उपदेश का ही देवड़ा है। दुनिया जो आपने आगे बैठे आपने से ज्यादा अनुभव वाला है, बड़ा बुजुर्ग मारे से ज्यादा दुनिया देखी है, यहां से वही बात कहो जो अपने आचरण में है और जो हम जीते हैं। और इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लोगों के जीवन में जाएगी, चाहे टीवी के माध्यम से जाओ और चाहे पंडाल के माध्यम से जाओ, अगर आप लोगों के जीवन में उतर गई तो मैं समझूंगी कि मेरा बोलना सार्थक हो गया। बाकी कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। मारा ठाकुर जी तो गीता में पूरी गीता सुना, अर्जुन ने कह दियो बतावनो मारो फर्ज है, करे नहीं करे तारी मर्जी है। तो आओ भक्तरी कथा में प्रवेश करा। नरसी जी री गुरुदेव रे चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी महाराज रे सानिध्य में आपा आज भक्त और भगवान री कथा कर रिया हा। जब भागवत जी री कथा होवे नी जने कोई यजमान ढूंढना पड़े, ढूंढना पड़े के नहीं के पोथी कूण ऊंचावेला, सात दिन तक स्थापित होर कूण बैठेला जो आ कथा सुनेला। लेकिन जब भगत री कथा होए तो यजमान स्वयं मारा ठाकुर जी हुए जोड़े सहित। देखो एक आपने में बात बत, मन बातों गणी याद आवे बीच बीच में, बात कहीं बताऊं। अब थाका जाना कोई टाबर है, बेटो बेटी कोई भी, और वे बढ़िया पढ़ाई करे, भगवान में भी रुचि रखे, चोखा काम करे, और थोने घरे यार गांव वाला केवे कि भाई थोरे तो भाई टाबर टाबर ही होया थुतको नाखे जेड़ा, एड़ा तो कलयुग में देखनी कोनी मिले, तो मां बाप ने कितनी खुशी होवे। जितनी खुदरी तारीफ सुनकर भी खुशी नहीं होए उससे हजार गुना खुशी बच्चा री तारीफ सुनकर होया कर। तो भगवान अठे यजमान बनकर बैठा है क्योंकि भगवान रे भगत रो गुणगान हो रियो है। भगवान ने भी खुशी होवे कि मैं ये चुरिया सीरे चक्कर मु बाहर निकलन रे वास्ते इंसान बनाया। लेकिन ओ इंसान जब कोई चुरिया सीरा फंद काट कर और सर शरीर मने प्राप्त कर जावे जने तो मारो भेजनो सार्थक हो जावे, और अगर चूक गया तो मनुष्य जन्म में अगर चूक गया तो पाछा चुरिया सीरा चक्कर में तैयार हो, हागी गदा कुत्ता बड़न पाछो जावनो पड़े। तो नरसी जेड़ा मीरा जेड़ा कबीर जी जेड़ा जब भक्त होए तो भगवान रो भी सीनो 56 इंच रो हो जावे कि वाह रे वाह सृष्टि बनाकर कुछ गलती नहीं हुई है। तो ये तरीके जी भक्तरा गुणगान करने से जीवन में भक्ति रो प्रवेश होवे।
नरसी जी कौन है? कोई केवे नरसी जी जूनागढ़ में जन्म लियो, कोई केवे कठे जन्म लियो। देखो नरसी जी रे जन्मरी जो कथा है वो राजस्थान और गुजरात रे बॉर्डर रे बीच एक गांव है तलाजा। राजस्थान और गुजरात रे बीच बॉर्डर पे गांव है तलाजा। तलाजा में नरसी जी रो जन्म हुए। एक बड़ो भाई बंसीधर, बंसीधर रे जी 12 बरस रा होया बीरे बाद नरसी जी रो जन्म हुए। और वर्णन आवे नरसी जी रे पिता रो नाम हो कृष्ण दामोदर दास जी, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति। मैं क्यों जेड़ा रूख वेड़ा ही छोड़ा होया कर। तो पिताजी बहुत प्रतिष्ठित भक्ति भाव दान दक्षिणाओं करने वाला धार्मिक प्रवृत्ति रा। और माता जी रो नाम हो लक्ष्मी गौरी। और जब पोतो होयो तो पोतो होवे नी, एक दो पोता हैंगा उन ज्यादा राजी कौन होवे? दादी राजी होवे। पोती हो जन मुंडो उतर जावे, पोतो हो जन दादी राजी गणी होवे। तो दादी हा जय गुरी बाई। और जब नरसी जी होया 12 बरस बाद भाई रे डोकरी बहुत राजी होया। पहला छोटी उम्र में ब्याह कर देवता बंसी दर्जी रो ब्याह भी कम उम्र में कर दियो गयो। लेकिन एडो वर्णन आवे कि तलाजा गांव में एक महामारी फैल गई। जैसे आजकल डेंगू प्लेग ने चिकनगुनिया मंकी गुनिया रेडी बीमारियां होवे नी, जो वटे भी बीमारी हो गई, कोई महामारी फैल गई जिमें बहुत सारी मौता होन लागी। इलाज कुछ ज्यादा भी टाइम होता कोनी, तो काफी बठे लोग गुजर गया जिमें नरसी जी रे माता पिता रो भी देहांत हो गए। नरसी जी रा माता पिता गुजरिया महामारी रे कारण गांव अस्त व्यस्त हो गयो। दादी रे मन में आई के अब अठे रेवणो ठीक नहीं है। और दादी दोई पोता और बहू ने लेकर जूनागढ़ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ो दुख क्या है? नरसी जी दादी रे लिए सबसे बड़ो दुख है। क्यों? क्योंकि नरसी जी जन्म से ही गूंगा, बोल नहीं सके और कान से बहरा। अब जी पोता रा मां बाप गया परा, बूढ़ी दादी घर में और भोजाई विपरीत स्वभाव। भोजाई ने घर में दादी और नरसी एक आंख भी नहीं सुवावे। और भोजाई खोड़ी लाया भी बहुत करे। दादी रे मन में चिंता, आज तो मैं बैठी हूं काले मारी आंखियां बंद हो गई तो भाई तो भोजाई रे आदीन है, मारा छोरा रोकाई हूं। दर दर भटकती डोकरी पर नरसी जी रो कोई भी आवाज या कानोरी शक्ति वापस नहीं दे पायो। डोकरी ने खूब चिंता होती। एक बार डोकरी ने कोई कहो के जूनागढ़ में शिवजी रे मंदिर में कोई पहुंची वड़ा बाप जी आया है, वड़ा चमत्कार जोरदार करे। एड़ा एड़ा मैं तो सुनिया हूं और लीला ही न्यारी है। इतो सुने जाना मिलन दी इच्छा होए के नहीं होए? कोई भी माता हो मन में आ जावे इतना पहुंचोड़ा है तो जाओ और मिलकर आओ। काश मार छोरन ठीक कर दे, मार छोरारी आवाज पाछी आ जावे और सुनन लग जावे तो मारे डोगरी रो जमारो सुधर जावे। और एड़ो वर्णन आवे कि डोगरी नरसिया रो हाथ पकड़ियो और हाल छोरा
महात्मा जी का दर्शन करार लाऊं, हाथ पकड़ और पहुंच गई भोलेनाथ रे मंदिर में। भोलेनाथ रे मंदिर में पहुंची। अब जूनागढ़ की रीति अटे तो सब शिवजी नहीं ज पहचानता, कृष्ण री भक्ति रो तो कोई ठाई को नहीं हो। आ तो नरसिंह जी ले रहे भाई, शिव की भक्ति बहुत बखाने और विष्णु भक्ति सुपने ना जाने। कृष्ण विष्णु तो सपने में ही को नहीं जानता है, शिवजी करता, क्योंकि भोलेनाथ रे माध्यम रे बिना तो, भोलेनाथ के माध्यम के बिना ना किसी को राम मिले और ना किसी को कृष्ण मिले। तो अठे वर्णन आवे कि पहुंच गया भोलेनाथ मंदिर में, महात्मा जी आगे मोहू देख लियो, डोगरी नेड़ी नेड़ी आवे। अब मैं अक्सर कया करूं कि माताओं अगर कोई बाबा जी बीजा दिख जावे नी तो छोड़े कौन झटू। महात्मा जी के आ तो ठीक होई, नेड़ी नेड़ी आवे, आ तो मन कोई रोम रोम करण देन, कोई बाबे रो नाम लेवण दे, आपन तो आंखियों मीचण में हारे। और बाप जी काठी काठी आंखियों मीचे, काठी काठी आंखियों मीच, माला बीजी हेंग रख दी, हो चला समाधि में लागोड़ा। और भाई जी नेड़ा नेड़ा आया और आर कयो जय भोलेनाथ री बाप जी। मारे वो कोनी, मारे वो कोनी, मारे वो कोनी। ए तो कोई विरला इज भगत होया जो कोई बाप जी मिलता तो पूछता, कहीं पूछता राम से मिलन कद हो सियो मार जूना जोशी, सावरियो मिलन कद हो मार जूना जोशी, राम से मिलन कद हो जो होया वो री कीर्ति आज भी गाई जा रही है। संत महात्मा और कने जाओ, ए संसार रा सवाल नहीं करना भाई, ओ कद हो सीर, वो कद हो सीर। अरे खुल्लो लिखियो नो है कि मारे गर्भ में तो पछे आवार भाग्य पहली लिखी जावे, क्या पूछनो ओ कदे ओइर, वो कदे ओइ। वो तो जब माँ के गर्भ में आए तभी लेलाड़ पे लिख दियो, काई होइर काई कोनी होवे। एक ही पूछनो राम से मिलन होवेला के नहीं होवेला, और अगर होवेला तो माध्यम क्या बनेला, कीकर होवेला, केरे द्वारा होवेला। तो संत ने भी लागे के खोटी भीड़ कोनी बेली होई, नहीं तो यूं लागे के ठीक है, एक निराशा सी अंदर आ जावे के परवाने विश्वास होवे के चलो एक कदम आया तो है, कदे न कदे तो जागे लई जागे। आज डोकरी भी पूछ रही है, मारे छोरे रे आवाज कोनी और सुनन री शक्ति कोनी, कुछ तो रास्तो बताओ। बाप जी के हूं अब कई रास्तो बताओ, हूं कई भोपा भोमिया थोड़ी मन थोड़ी था जो मान तो की ठाक हो, भगवान जाने माने कुछ भी ध्यान नहीं है। ओके बाप जी अगर थे इन्हें ठीक नहीं करो तो थोड़े बाजू में हुई दूनी रमायर बैठ जाओ, आप तो मैं घरे जाऊं इज नहीं, मने पूरे गांव कहो है कि बाप जी चमत्कारी है, बाप जी चमत्कारी है, थोने बताऊं इज पड़ी। क्यों कीकर बोले ला और कीकर सुने ला, नहीं तो मैं अठू जावण वाली नहीं हो, थाने आज था कोनी स्त्री रो हद केड़ो खतरनाक हो। बाप जी के हो तो ठीक फसियो, अबे तो अमन नाम लेवणी ज कोनी देवे। और बाप जी नरसी जी रे हामी देखियो, नरसी जी रे हामी देख रही हूं, इशारो करियो कहठिया। नरसी जी खड़ा होर बाप जी कन गया, आप रे कने बिठायो और एड़ो वर्णन आवे
माथे पर एक कपड़ो डाल मुंडो ले गया कान रखने और धीरे सीख कहो बेटा बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। अब नरसी जी सुनता को नहीं बोलो लेकिन जुई बाप जी कौन में कहो और नरसी जी रे तो माँ सरस्वती जी जीवा पर विराजमान होया और नरसी जी एकदम खड़ा हो गया और केवल लागा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। दादी तो यूं ही बैठी है झटको लागे नहीं है इतो बड़ो पोतो होई गयो कदी भी री आवाज नहीं सुनी कदी वो माय तोरी आवाज नहीं सुनी कान मुंह भूड़ो मुंडा मुंह गुंगो आज वो जब नाच रियो है और राधे कृष्ण कर रियो है दादी री तो खुशी रो कोई ठिकानो नहीं। और दादी यही बैठी नरसी आर दादी रा पग पकड़िया दादी दादी देख मैं बोलू दादी हाथ दे रियो और महाराज रे हामी हाथ जोड़िया वाह बाप जी वाह ये डोकरी रो जन्म सफल कर दियो डोकरी रो जन्म सफल। अब मन में आई बाप जी इतो मोटो कौम करियो की तो बाप जी ने थोड़ी घड़ी तो भेंट देवनी चीजें तो पहली री जो अबार भी जो पुरानी मातो मरहामी बैठी है यहाँ लंबो लंबा पैर थी भी ने कई कहे जम्फर भी जो की कहे बीरेट खुंजो हो तो खुंजो अरे खुंजीर माते गुंडी लागोड़ी हुए बटन कहे जी पुरानी माई अब गुंडी खोलीर खुंजा रे मऊ एक मैन यार थैली काटी अब मैन यार थैली गोंठो खोले मन में होचो कितो के देऊ बाप जी ने कई देऊ कौम तो मोटो करियो किन की तो देऊ नहीं छे अब मैणियरी गोंठ खोली एक मैणियो आगो लियो वीर नीच कपड़ो बस कपड़ारी गोंठ खोली वीर नीच बा खलेती आती एक बार डोरी बांधोड़ी जिन बटुआ आज रे समय में केवे फैंसी बटुआ हो गया पहली बे खलेतिया होती अब ए मां बा खलेती खोली अब भाई हाडी 500 बरस पहली री बात होचो 10 रुपया तो दे दो 10 रुपया ए तो घणा हो जई बाजी 10 रुपया रो काई करी और लोभ लालच तो है कोई
पांच रुपया तो दे ही दूं, पांच रुपया तो दे ही दूं, पांच रुपया तो घणा ही जे कोई, पांच रुपया रो कई करी बाप जी, दस रुपये मो गालियर पांच बीच में अबे मोय मोय जोयो एक भटोड़ो रु गलोड़ो या जूनो जूनो दोरो नोट बे रुपया तो दे ही दो बाप जी बेटा जो ये नियत तो है कौन दे बंदी एक कंजूस को नहीं होता पहली मेहनतरी कमाई होती पिसारी कदर घनी होती सोच सोच खरसता और कहता के दाल रोटी खाते धन घूटे तो घुटन दो और साची बात कहते प्रीत टूटे तो टूटन दो दो रुपया रोजी नोट निकालियो बाप जी के मां मैं कहीं करा पैसा रो मान पैसा रो कहीं करनो पैसा चेसता तो घर थोड़ी छोड़ दो अट गणाई भगत थर जेड़े बैठे है कोई रोटी पानी आ जाए चिंता री बात कौन मरा चाय पी लिया चाय तो जरूर हो वेला अंग्रेज ले रहा है आ तो हाडी पौन सो पहली बरसरी जी बात है चाय पी लिया मरा अब चाय पानी की कौन पीऊ माए पया कौन ले सक में वाह वाह बाप जी देखो अंगी लालच कोई नहीं पहुंची ओड़ा है ठट खुंजे में पाछा घाल दिया दो रुपया को मार छोरा रो हाथ पकड़ियो आल भाईओ त्यागी मरा जे बहुत ऊंचा है जय हो करती डोगरी हाथ पकड़ भोली बाई गई परी इया हम जी कोनी के किता पहुंची ओड़ा हुई तो बड़ो काम कर गए आधा रास्ता गई बंसी दर्जी हामी आया बंसी दर्जी कहो मां कटे जा रहा हो अरे देख देख थारो नरसियो बोले देख देख थारो नरसियो बोले बंसी दर्जी स्वभावरा बहुत चोखा पर जगत हूं जीते लुगाई हूं हार जावे आदमी आ थोड़ी विपरीत स्वभाव रही जने कड़े कड़े पक्ष लेवनी पड़ती हूं दादी ने के नरसी बोले अर नरसी जी दौड़ता कने गया और भाई रा पकड़ पग पकड़ कहीं गयो भाई जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण देखो पांच बरस रा होया जट ना तो सुनियो और ना ही बोलिया और बोलिया तो सीधा क्या बोलिया राधे कृष्ण बोलिया भाई इतना राजी होया नरसी ने गले मु लगायो दादी इरी आवाज की कराई तो वर्णन आवे कि दादी बतायो कि भाई मंदिर में एक महाराज आया भी बाप जी बारे में अपने गांव में बात होयोड़ी सारा गांव वाला कहवे कि भाई बहुत पहुंची उड़ा है बहुत पहुंची उड़ा है और सच में वे तो इतना पहुंची उड़ा रे बंसिया मैं गई तो थर भाई री आवाज आएगी थर भाई सुनन लागियो बंसी जी एक करी ना दूजी समझ गया कि महात्मा कोई पहुंची उड़ा है मारी दादी आ बात समझ नहीं पाई है और भागता मंदिर में आया और क्या देखे बैठे कोई महात्मा नहीं है कोई महात्मा बंसी जी चारों खूना देख लिया कठे कोई महात्मा नजर नहीं आया और वर्णन आवे कि जब कोई भी नजर नहीं आया तो पुजारी जी ने पूछो भाई अठे एक महात्मा जी बैठा है ये बाप जी कट गया तो वर्णन आवे पुजारी जी को भाई थोड़ी देर पहले तो एक भाई जी आया थान दादी जा बिनु बातां करता थार भाई रे लिए भी कुछ करियो एकदम बढ़िया अचानक गायब हो गया बंसी दर्जी समझ गया और अठे वर्णन आवे कुण हाए महात्मा जी ए बाप जी कुण हा और नरसी जी रो जीवन क्यों बदलियो ए नरसी जी कुण हा एडो संतोरे मुखसु मैं सुनियो हूं कि नरसी जी एक आदमखोर शेर हा लार लचन नरभक्षी और वर्णन आवे कि पीपा जी महाराज जब सीता सहचरी जी ने साथ में गृहस्थ छोड़ियो और एक जंगल मु निकल रहा था और
नरदेव ने सूंग कर वो भागतो सो शिकार करण वास्ते आए। अरे एड़ो वर्णन आवे कि जुई नजदीक आयो और संतों रे संग सो वीर भक्षण रो स्वभाव छूट गयो और चरण चाटन लाग गयो और संत रे शरण में आकर चरणों रो स्पर्श होयो संत हृदय नवनीत समाना। शरण में आयोड़ रो कल्याण नहीं करे तो संत तो बचे वो तो बहुत उदार है। और एड़ो वर्णन आवे के सिंह रे शीश पर पीपो जी महाराज हाथ रखियो और कान में कुछ बोलिया और वो सिंह योनि से मुक्त हो गए। सिंह योनि से मुक्त हो गए हो और पिछले जन्म का प्रारब्ध हाँ कि ये जन्म में भी जब गूंगा और बहरा था तो भगवान स्वयं महात्मा को रूप लेकर और गुरु वचनों की लाज रखते हुए वाने गूंगा और बहरारी योनि सो आजाद कर दिया और माँ सरस्वती प्रदान कर दी। तो ये तरीके नरसी जी कथा। अब नरसी जी कथा इतनी अद्भुत है आने भगवान की कर मिलिया कुण माध्यम बनियो सब कुछ बढ़िया बढ़िया चले जाने तो भगवान की नहीं याद आवे भाई। लेकिन जब सब कुछ अच्छो होए फिर भी इंसान धर्म रे पथ पर चले तो जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और एठे वर्णन आवे कि नरसी जी बड़ा होया अब दादी ने चिंता ब्याह कर दू कई टकल बोझाई केड़ी है ब्याह करे नहीं करे आ तो लड़ती कटीसती थके कौन। नरसी ने जब आवाज आई नहीं तो दादी घरे पहुंची और नरसी ने जब भोजाई रही पगे पड़ ब्रो छा आका करती दौड़ता गया नरसी जी और दादी कह रहे ए बंसियरी बहू जो मर छोरो बोलन लागो था कि उम्र होगी है दादी गूंगा कदे बोलिया वेला। हाँ सच में एड़ा विपरीत बोलने वाली भी घड़ी ही होए होए के नहीं होए बातें तो यूं ही बोलोड़ी समावती कौन दादी। पर इतो याद रखनो कि बुजुर्ग की बोली जरूर कड़वी हो सके लेकिन वे कह देवे पर कोई ने केवण को नहीं देवे। और जो माए तोरे केवण अनुसार बह जावे वीरो ओ जन्म भी सुधर जावे वो जन्म भी सुधर जावे। पर बंसियरी बहु में थोड़ी प्रारब्ध की बात है और जुई वो पगे पड़ियो नरसी के भाभी राधे कृष्ण जब भाई ने कहे तो भाई कितो राजी हो लेकिन भोजाई रो तो मुंडो पीलो पड़ गयो पीलो के वास्ते पड़ियो गुंगो बोड़ो है ब्याह तो इरो होत कोनी जायदाद जमीन जो ये मोरी जो और काले मोरे आगे नौकर वे जो काम करतो दादी जावत बचे इरी भीड़ लेवन वालो हो कौन। स्वार्थी हमेशा आपरीज भलेरी बात सोचे। और एठे वर्णन आवे मुंडो पीड़ो पड़ गयो चुपचाप अंदर गए की चोखो बोलन लागो। अब एड़े स्वभाव री भाभी होवे तो दादी ने तो चिंता होईज के समय पर ब्याह करनो जरूरी। और एड़ो वर्णन आवे की 9 वर्ष सारी उम्र में ही नरसी जी रो ब्याह कर दियो दादी माणिक गौरी जी बहुत ही सुशील कन्या माणिक गौरी जी। और वारी इतो बढ़िया स्वभाव हो के जेठानी इतनी करकसा ही काम करियो डर माथे काम फैलाई देती मुंडा मु आवे जू बोलती अपमान करती नरसी जी ने कदे गर्म रोटी को निकालन देती। पर पति पत्नी बहुत सबर मु रहता मोटी भोजाई है की कौन दादी रही जब तक तो सब ठीक चलियो सहन शक्ति भी ही और दौर चलतो जा रही हो तो। पर दादी जुई आंखियां मीची भोजाई तो असली स्वरूप में ही जी और उग्र
हो गई। और एक बार तो इतनी बूंदी बोली नरसी जी रे मन में विचार आयो, रोज रोज साथ में रहकर छीटा कसी करने से अच्छो है थोड़ो दूर रहो जावे, प्रेम भी बनियो रहे और भाई भाई रो संबंध भी खराब नहीं हो। पत्नी ने समझा बुझाकर नरसी जी अलग रेवन री व्यवस्था करी और समय बदलने में भाई समय ना लगे। पत्नी का पैर इतना अच्छा रहा नरसी जी रे लिए कि नरसी जी जो भी काम करता कहवे नहीं के धूड़ में हाथ गाले तो सोनो हो जा। इतो धंधो चलियो नरसी जी रो जोरदार व्यवसाय इतो बढ़िया चलियो और दो बच्चा भी होया, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र रो नाम रखियो सामरदास और बेटी वो थोड़ी डाल में छोटी ही और भाई सू भी छोटी ही, तब इन्हें नानी नानी करता और नाम पड़ गयो नानी बाई। और दादी रे नाम पर भी वीरो एक नाम रखियो दादी ही जय कुंवर, तो नानी रो नाम रखियो कुंवर बाई। पर वह डाण में छोटी ही नानी नानी करता नानी बाई हो गया। और ऐठे वर्णन आवे इतनी संपत्ति कमाई नरसी जी रे घर्रा जहाज चलन लाग गया। समुद्र रे द्वारा व्यापार करता जिन्हें केवे आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इतो पैसो 21 पीढ़ी खावे जितो पैसो। नरसी जी क्यों होयो पैसो? क्योंकि त्यागे तो ही आगे, त्यागे बिना आगे नहीं है। नरसी जी त्याग करनो जानता, नगर सेठ कहलावता, साधु संतोरा भंडारा करता, धर्मशालाओं बनवावता, जरूरतमंदरी सहायता करता। नरसी जी रे नाम री तो हुंडिया चालती, इतनी प्रतिष्ठा कमाई। हुंडी केरे नाम री चले जीरी इज्जत होए, जीरी प्रतिष्ठा होगी उसकी तो हुंडी चलेगी। इतो पैसो और धर्म के मार्ग पर चलन वाला, लेकिन समय बड़ा बलवान, बेटी मोटी हुई और बेटे रो तो ब्याह करियो झूठी बाई मु, और बेटी रो ब्याह करियो श्रीरंग जी रे थे अंजार गांव में, श्रीरंग जी रो बिचलो बेटो परशुराम। परशुराम मु होयो नानी बाई रो ब्याह, इतो दाय जो दियो नरसी, इतो दाय जो दियो गाड़ा भर भर दाय जो दियो। हामी भी नगर सेठ देखो, हर बाप आपरी बेटी ने हैसियत से ज्यादा देने की कोशिश करे। देवनो पाप नहीं है, मांगनो पाप है। दियो तो हिमालय राजा भी खूब हो, दियो तो जनक जी भी खूब और दियो तो नरसी जी भी खूब हो, लेकिन जब पात्र ठीक नहीं होते तो यही चीज लालच का विषय बन जाती है। वो रो खाटो भरीजे ही कौन कीकर भरीजे को नहीं आगे वर्णन आवे। इतो दाय जो दियो धूम धाम सु नानी रो ब्याह करियो, अच्छी खासी गृहस्थी चल रही है नरसी जी री, बेटी ने भी विदा करी, लेकिन समय का पहिया चलता है। इतनी बढ़िया पत्नी, धर्म पत्नी, जो धर्म में बराबर सहायक बने धर्म पत्नी, जो धर्म की तरफ ले जाए धर्म पत्नी, और जो पतन की तरफ ले जाए वो पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में बहुत फर्क है भाई। और वो धर्म पत्नी अचानक से भगवान ने प्यारी हो गई। जीवन में जब भी बदलाव आएगा, जीवन में कुछ तो झटका लगेगा तभी बदलाव आएगा। हैंग बढ़िया चल तो रहे जन किन्ने पड़ी बदलाव सोचन। जीवन में जब झटके लगते हैं तो बदलाव होता, परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? जीवन में जब भी अंधेरा हो, खतरनाक अंधेरा भी जीवन में आए, तो उस समय कोई गलत कदम उठाने की बजाय
हमेशा ये सोचो कि जब उजाला होगा तो कैसा होगा। आप देखो पुराने जमाने में आज भी आवे कैमरा होवे नहीं, कैमरे में रील लगाया करे जना फोटो आवे, आवे कि नहीं आवे, लेकिन वो रील धोईजे की करे। अगर चानण होवे तो रील में फोटो नहीं आवे, वो रील तो अंधारा कमरा में धोईजे फोटो। आप कदी भी जार फोटोग्राफर ने देखो एकदम अंधेरे में वह रील धोईजे, धोईजे के नहीं धोईजे, लेकिन वो रील धोन रे बाद जब चानना में देखी जावे तो फोटो केड़ा हुए फूट रहा बहुत हुए जेड़ा आपा नहीं हुआ वेड़े फोटो हुए। तो अंधेरे के बाद का उजाला जीवन में बहुत गहरा परिवर्तन लेकर आता है। मैं तो कहती हूं वो जीवन सुधार देता है। इस बात को आगे बताऊंगी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूं, दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं व्यास पीठ ज्ञान देने की जगह नहीं है। यहां पर जितना आचरण में है, जितना अनुभव में है, उतनी बात करो, बाकी तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। जितना आचरण में जीते हैं, जब तक बीच में ये छल कब गणा गणा नहीं देखा, यूं कहीं रहे हैं, यूं कहीं रहना, थोड़ा यूं त्रिपुण विरिपुण होना चीजे, वो होना चीजे, यूं होना चीजे, अरे वो सब नहीं होए तो चल जाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावार, मोहि कपट छल छिद्र ना। जिसको साफ करना है उसको कोई साफ नहीं करता भाई। अरे मैं ये अड़ी हां कच्चा गड़ा यहां गणराज्य होने की जरूरत को। और अठे वर्णन आवे नरसी जी री, जब पत्नी रो देहांत होयो जीवन में घोर अंधकार छाई। नरसी जी रो मन बेचैन रेवन लागो। देखो अगर संपत्ति में सुख होता तो 21 पीढ़ी खाई जीता धन नरसी जी के पास था, लेकिन मन बेचैन है क्योंकि मन की तृप्ति कभी भी संपत्ति से नहीं हो सकती, वो तो उसकी खुराक कुछ और है, हम देते कुछ और है तो हमारा पतन हो जाता है। और अठे नरसी जी रो मन तड़प रियो है, मारो मन तो व्याकुल क्यों है, मन कुछ भी अच्छो नहीं लाग रियो है। और धर्म के रस्ते पर चलन वाला हा नरसी जी, बहुत सौभाग्य की बात, ऋषि महाराज कथाकार भागवत प्रवक्ता अपन बीच पधारिया है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आ तो सौभाग्य की बात है क्योंकि आ तो संत महात्मा रो आवनो, बाप जी महाराज रो सानिध्य, और स्वयं त्यागी महाराज जेड़ा संत अपन बीच में बैठकर, अब परीक्षा नी बात नहीं, कुछ सीखने की बात है, ऐसे ही सीखने के लिए मिले और ऊर्जा भी मिले। श्रोता वक्ता सब वक्ता पर श्रोताओं रो बहुत फर्क पड़े। और एठे वर्णन आवे कि जब नरसी जी के मन में व्याकुलता हुई, मैं एक बात अक्सर कहती आई हूं कि जब अंदर कुछ पाने की हलचल होती है तो बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ता। हमारी व्याकुलता अगर सच्ची है तो संत हमारे पास आकर अलख जगा देते हैं, ये कथा उसका प्रमाण है। नरसी जी बहुत व्याकुल है और नरसी जी के दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। कौन दी आवाज? संत नर हरिदास, तुलसी बाबा जी रा गुरु संत नर हरिदास जी। भगवान भगवान स्वयं किसी ना किसी रूप में मार्ग बताने के लिए आते हैं। जब जीवन में अंधकार हो जाता है, बस समझने की बात है। और संत नर हरिदास पहुंच गए नरसी जी रे दरवाजे, अलख जगाई और नरसी जी दौड़ता बाहर आया। और जुई संतों ने देखिया, आव देखी ना ताव, चरण पकड़ लिया, लेट गया चरणों में और केवन लागा,
ओ गुरुदेव मारो अब को जन्म सुधारो ओ महाराज गुरुदेव मारो अब को जन्म सुधारो ओ महाराज के जन्म सुधारो ओ महाराज गुरुदेव मारो अब के जन्म सुधारो ओ महाराज गुरुदेव जी हो महाराज केने केने जन्म सुधारना है हाथ उठार एक एक आदमी बताओ किने उधारनो जो हाथ नहीं उठाए वो मतलब नहीं सुधारना सुधारना है तो नरसी जी भी करताल नहीं बजाई जित की को नहीं मिली तो अठे नरसी बन जाओ नरसी कोई पुरुष या नारी थोड़ी है जो भगवान की भक्ति की तरफ खींच गया और जिसको भगवान का सानिध्य मिल गया वही गोपी बन गया चाहे वो नरसी हो चाहे मीरा हो चाहे प्रहलाद हो चाहे कबीर हो तो बोलो और तो भजन हैंगा नहीं आवे अब सागर के बीच में नाव छपोना था अब सागर के बीच में नाव छपोना था Oh, my God.
बोलिए सतगुरु देव की जय हो। चरण पकड़ लिया जो दादी हट करियो नी कि घरे जाऊं जी कोनी जू आज नरसी जी पग पकड़ी उड़ा के गुरुदेव अब तो आ रही आप पर। अगर आ ही गया हो तो ओ जन्म सुधारण रो कोई रास्तो बताओ महाराज मन में सुकून नहीं है। अरे नरसी थारे मन में सुकून नहीं है 21 पीढ़ी खावे जी तो धड़कन धन महाराज धन में सुख नहीं धन में शांति नहीं क्यों भाई लोगा ने तो वही चीज है मारकन गड़े भीड़ो आवे रोईज के पया कदे आई रे फलानो कदे होई न वो कदे होई थारे कई चीज है। गुरुदेव रुपया पैसा सोना चांदी सब देख लिया परिवार भी देख लियो जो आज सुख रो कारण है वो काले दुख रो कारण है जो आज सुख दे रहा है वो कभी ना कभी दुख का कारण बनेगा। मुझे वो सुख चाहिए जिसका अंत ना हो और वो सुख तो सच्चिदानंद में ही है। आनंद का कोई विलोम शब्द है सुख का तो दुख है पर आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। वो चाहिए जो कभी खत्म ना हो। धन्य है नरसी धन्य है मिलेला जो चाहिए वो मिलेला पर एक को पाना है तो एक को त्यागना पड़ेगा। दो पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई। देखो मैं अक्सर कहूं कि जेड़ा रूख होवे वोड़ा ही छवड़ा होया करे जेड़ा कबीर जी हानी वेड़ोर वेड़ो बड़े वह हुई एक पग ऊपर ही व्याणी बेटी और दो पग ऊपर हो बेटो कमाल और कमाल। जब कबीर जी और दोहो बोलिया कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय और दो पाटन के बीच मेर साबूत बचाना कोई कमाल रे मन में आई। देखो सीधो सीधो कुछ भी मानना नहीं प्रैक्टिकल कुछ करोगे तभी समझ आएगा नहीं तो किसी ने कह दिया और हमने सुन लिया जब तक अनुभव में नहीं आएगा जब तक तोते हैं रटी रटाई बात तोता मत बड़ो अनुभव करो प्रैक्टिकली करो फिर कुछ व्याख्यान करो। अब कमाल सोच रहा है कि पिताजी ने ऐसा कहा तो कहा क्यों दो पाटन के बीच में भी कोई तो बचता ही होगा और कमाल तुरंत एक दोहो लिख दियो क्या लिखियो चलती चक्की देख कर दिया कमाल हसाए चलती चक्की देख कर दिया कमाल हसाए जो पकड़े उस चीन को वो साबुत रह जाए जो पकड़े उस चीन को वो साबुत रह जाए। सही बात है जब चक्की पीसे नहीं तो बीच में कील लागोड़ी हुए उरे अगर गेहूं रे बिरी इल्ली जावे पी और वो पाट प्रो छोड़न किलो पकड़ लेवे तो इल्ली पीसी जे कोई नहीं वा बच जावे। तो आ संसार आ चक्की है और अगर ये में घना फसिया तो पीसी जावला इमे तो तुलसी ममता राम सेर समता सकल संसार व्यवहार कुशलता संसार में रखो लेकिन प्रीत तो सिर्फ भगवान में रखो। भाई व्यवहार करना पड़ेगा अगर व्यवहार कुशलता नहीं रखी तो संसार ना तो अठरो रेवण देर ना बठरो रेवण दे लेकिन प्रेम तो प्रीत जो है कि सांवरे से प्रीत ऐसी हुई रे पिया कि मैं तो वृंदावन जाऊं गोपियां कहवे नहीं तो वो कील क्या है अरे राम नाम की कील है अरे राम नाम की कील है
बचने के वास्ते, अरे दुनिया बनी है सबको मिटाने के वास्ते। आया है हर कसम यहाँ, आया है हर कसम यहाँ, जाने के वास्ते, जाने के वास्ते, अरे दुनिया बनी है सबको मिटाने के वास्ते। दुनिया बनी है सबको मिटाने के वास्ते। राम नाम जहाज है, राम नाम जहाज है, करने के वास्ते, करने के वास्ते, हर दुनिया बनी है सबको मिटाने के वास्ते। हर दुनिया बनी है सबको मिटाने के वास्ते। कील, जिसने वो राम नाम की कील पकड़ ली, वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, वो भगवान में ही है, और भगवान कहीं और थोड़ी है। तू जाने हरि दूर है, हरि हृदय के माही, पर कथनी करनी में फर्क है। आडी टाटी कपट कीर तासो दीखत नाही। बस इतनी सी दूरी खत्म कर दो, जो कहते हो वो करो, और कुछ करते हो तो करने के बाद कहो, तो सत्य अपने आप हो जाएगा। तब आप देखो जीवन में परिवर्तन स्वतः ही। दुनिया को अगर खुश करने निकलोगे तो खाली हाथ ही आए, खाली हाथ गए, लेकिन अगर परमात्मा को खुश कर लिया तो आज जो दुनिया खिलाफ चलेगी, कल पीछे दौड़ती आएगी, लेकिन उस समय दुनिया की जरूरत ही नहीं रहेगी। भरिया हाथ तो राम नाम ही रहे भाई, और कोई मुंह हाथ को नहीं भरी जी आज तक। सिकंदर जहां कहीं आया और केड़ा गया दुनिया जाने। तो कहने रो मतलब नरसी जी कहो महाराज, वो चाहिए जो कभी खत्म ना हो। आनंद चाहिए, आनंद तो सचिदानंद में मिलेगा, लेकिन एक को पाने के लिए एक को त्यागना पड़ेगा। त्यागे बिना आगे कुछ नहीं मिलेगा। नरसी ये 21 पीढ़ी खावे जीता धन लुटा तब कुछ मिलेगा।